हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिपुर। आज हम समझेंगे फिफ्थ सेमेस्टर डीएससी 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर विच इज इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ। तो इजीली बोलूं तो जितने भी सारे शरणार्थी हैं वो कौन होते हैं ना, जो लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं उधर रहने के लिए, और उन्होंने अपना देश इसीलिए छोड़ा होता है क्योंकि उनको अपने देश में बहुत सारी डिफिकल्टी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, उनको अपने देश में कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया जिस वजह से वो वहाँ पे नहीं रह सकते, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक हो गया, किसी भी तरीके की डिजास्टर, या फिर उनको वहाँ पे रहने नहीं दिया जा रहा है, उनको फोर्सफुली अपने देश से निकाल दिया गया है, तो वो क्या करेंगे, डेफिनेटली वो किधर और जाके रहेंगे, तो वो चुनते हैं किसी और कंट्री को। जिधर वो जाते हैं उनको उसी देश में शरणार्थी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने और एक देश में जाकर शरण लिया है। उनको कि अपने देश से जाना पड़ रहा है कोई और देश में, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी अच्छी लाइफ के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, डेफिनेटली यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाए गए हैं। हु इज अ रिफ्यूजी, कौन एक रिफ्यूजी है, किसको हम बोलेंगे एक शरणार्थी। When a person or a group of person leave their country to seek protection in another country are called as refugees. इंसान या फिर ग्रुप में कई सारे इंसान जाकर अपने देश छोड़कर और एक देश में शरण लेते हैं, या फिर अपनी कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में जाते हैं ताकि वो उनकी लाइफ को बचा सके, क्योंकि अपने देश में उनको बहुत सारी डिफिकल्टी, टॉर्चर वगैरह फेस करना पड़ रहा है, तो उन्हीं लोगों को बोला जाएगा रिफ्यूजी। और उसका और एक डेफिनेशन है, रिफ्यूजी इज अ पर्सन हु इज आउटसाइड ऑफ इट्स ओन कंट्री फॉर रीजन ऑफ पर्सिक्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट, नेचुरल डिजास्टर, वायलेंस एंड दे रिक्वायर प्रोटेक्शन ऑफ अनदर कंट्री, जो कि अपने कंट्री में बहुत सारे डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं एंड उनको अपनी लाइफ जीने के लिए दूसरे कंट्री से प्रोटेक्शन चाहिए, उनको बोला जाएगा रिफ्यूजी। असाइलम सीकर हम किन्हें बोलेंगे, एवरी रिफ्यूजी इज इनिशियली एन असाइलम सीकर। जो भी रिफ्यूजी हैं उनको तभी रिफ्यूजी माना जाएगा जब वो जिस कंट्री में, एग्जाम्पल कोई और एक देश का लोग जिधर वॉर या फिर कंफ्लिक्ट चल रहा है, वो अगर आके हमारे देश में रिफ्यूजी बनना चाहता है, हमारे देश में रहना चाहता है, तो वो पहले हमारे कंट्री के जो ऑफिशियल हैं उन्हें वो जाकर बोलेंगे कि हाँ मैं उस देश से आया हूँ, मुझे वहां पे डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो मैं इस देश में रहना चाहता हूँ। तो वो क्या करेंगे, कोई पेपर वर्क उनका होगा तो उसके बाद ही उन्हें रिफ्यूजी बोला जाएगा, लेकिन उससे पहले उन्हें बोला जाएगा असाइलम सीकर। ठीक है, रिफ्यूजी उनको बाद में माना जाएगा जबकि वो ऑफिशियल पेपर वर्क कर लेंगे, या फिर वो ऑफिशियली किसी एक इंडियन ऑफिशियल को जाके बता देंगे कि हाँ हम एक रिफ्यूजी हैं। असाइलम सीकर इज अ पर्सन हु हैज लेफ्ट देयर कंट्री एंड सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम पर्सिक्यूशन, ताकि उन्हें जो भी टॉर्चर फेस करना पड़ रहा है उससे वो बच सके। दैट्स व्हाई दिस पर्सन हैज नॉट बीन लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिफ्यूजी। एक असाइलम सीकर लीगली रिफ्यूजी नहीं बोला जा सकता क्योंकि उन्हें अभी तक वो स्टेटस नहीं मिली है। ठीक है, जब उन्हें हाँ स्टेटस दिया जाएगा कि वो उस देश छोड़कर आए हैं इस देश में ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, तभी उन्हें रिफ्यूजी माना जाएगा, उससे पहले उन्हें बोला जाएगा असाइलम सीकर। ठीक है, देन और एक डेफिनेशन हम समझेंगे, ए पर्सन हु हैज बीन फोर्स्ड टू लीव हिज और हर ओन कंट्री फॉर पॉलिटिकल रिलीजियस रीजन और बिकॉज ऑफ वॉर नेचुरल डिजास्टर इज कॉल्ड एज अ आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू ब्रॉट अ रिफ्यूजी क्राइसिस। वर्ल्ड वॉर टू जो कि एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर था हमारे वर्ल्ड के लिए, तो उसके बाद कई सारे लोग रिफ्यूजी बनके दूसरे देश में जाने लगे ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो क्राइसिस चल रही थी, लोग इधर से उधर जा रहे थे, उसको हैंडल करने के लिए 1951 कन्वेंशन या फिर एक सम्मेलन बनाया गया यूनाइटेड नेशन में, एक मीटिंग हुई जिसको बोला गया 1951 कन्वेंशन, और 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन करा गया जिसमें कि बहुत सारे डिसीजन लिए गए और उसके बाद ही इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ बना। ठीक है, इस 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, इट इज अ यूनाइटेड नेशन मल्टीलैटरल ट्रीटी दैट डिफाइंस हु इज अ रिफ्यूजी एंड राइट्स ऑफ रिफ्यूजी। ये एक ट्रीटी है जो कि कई सारे देश जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर है उनके अंदर ही बनाया गया, जिसमें कि एक रिफ्यूजी कौन है, किसको हम एक शरणार्थी मानेंगे, उसके राइट्स क्या क्या रहेंगे, उसको क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे उनको, वो सब डिसाइड करा गया। Also known as Geneva Convention of 28 July 1951, क्योंकि वो जुलाई 28 को वो मीटिंग हुई थी तो और प्लेस था स्विट्जरलैंड का जिनेवा, इसीलिए उसको जिनेवा कन्वेंशन भी बोला जाता है। इंडिया हैज नॉट साइंड इट बट इंडिया हैज साइंड न्यूमरस ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट। इंडिया ने इसको साइन नहीं करा था लेकिन
बाकी कई सारे ह्यूमन राइट्स के डॉक्यूमेंट थे जिसमें कि इंडिया ने साइन करा था, दैट आर्टिकुलेटेड अ कमिटमेंट टू प्रोटेक्शन ऑफ रेफ्यूजी, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के वो मानता है, दैट्स व्हाई इंडिया को भी रेफ्यूजी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इट वॉज एनफोर्स्ड इन 22 अप्रैल 1954। इट्स एम वॉज टू प्रोवाइड लीगल स्टेटस टू रेफ्यूजी, जो भी असाइलम सीकर है जो कि अपने देश छोड़कर आए हैं उन्हें लीगली हम रेफ्यूजी कैसे बुलाएं, जल्दी से जल्दी कैसे वो सब काम हो जाए, इसका एम ही वही था। इट प्रोवाइडेड अ डेफिनेशन फॉर रेफ्यूजी एंड रेफ्यूजी कौन है उनको भी एक डेफिनेशन मिला। कोर प्रिंसिपल ऑफ इट इज नॉन रिफॉलमेंट, मीन्स रेफ्यूजी शुड नॉट बी फोर्स टू गो बैक टू हिज कंट्री। इसका मेन मकसद यही था, मेन एम था कि जो भी रेफ्यूजी आ रहे अपने कंट्री छोड़कर, देखो कोई अगर अपना देश छोड़ के आ रहा है तो वो खुशी से तो नहीं आएगा, उसको वैसे कुछ फील हुआ या फिर उसको अपनी लाइफ पर थ्रेट आई इसीलिए वो छोड़ के आ रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन आ गया यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। इट्स एन एजेंसी मेड टू प्रोटेक्ट रेफ्यूजी, ये एक एजेंसी है जो जिसको यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट भी बोला जाता है, जो कि स्पेसिफिकली या फिर स्पेशियली रेफ्यूजीज के लिए ही बनाया गया है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। इट्स ऑल्सो रिगार्डेड एज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन भी माना जाता है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, जिधर पहले बना था 1951 कन्वेंशन उधर ही। इट वॉज क्रिएटेड इन 1950 एंड डेट इज 14 दिसंबर, 14 दिसंबर को इसे बनाया गया। Its function is to protect refugee, to supervise their application. Refugees हैं उनको protect करना, जो उनके application है उसको supervise करना, ठीक है। Providing solution for their problem, क्या उनके problem है उनको हम कैसे अच्छे से settle करें। UNHCR India's main office is located in New Delhi. तो जो UNHCR है उसका एक main office India में भी है जो कि New Delhi में है, और एक protocol भी था, means कुछ guidelines से हम बोल सकते हैं। तो 1967 प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी, हम किसको रिफ्यूजी मानेंगे किसको नहीं मानेंगे ये बताता है। दोज हु हैव कमिटेड वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट पीस एंड ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रिफ्यूजी, जो किधर क्राइम करके आए हैं उनको हम रिफ्यूजी नहीं मानेंगे, जिसने क्राइम करा है वो पनिशमेंट ही डिजर्व करता है। व्हाट इज इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ, ये कई सारे नियम हैं, कई सारे रेगुलेशन हैं जो कि एक रेफ्यूजी को प्रोटेक्ट करता है, कि हम रेफ्यूजी किसे मानेंगे, हम किसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम उसको क्या क्या राइट्स देंगे, यही सब है इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ। रेफ्यूजीज आर फोर्स टू लीव देयर कंट्री बिकॉज दे फेस परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, पर्टिकुलर सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप, और बिकॉज ऑफ वॉर एंड नेचुरल कैलामिटी, जो कि अपने कंट्री को छोड़ के आते हैं क्योंकि उन्हें कई सारे टॉर्चर भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रेस से या फिर रिलीजियन से है या फिर उनका नेशनलिटी कुछ है, फिर वो कोई एक पर्टिकुलर सोशल या फिर पॉलिटिकल ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और वो उधर वॉर भी चल रहा है तो भी वो आ सकते हैं, अगर कोई एक बड़ा डिजास्टर आ गया तो भी वो दूसरे एक कंट्री में आ सकते हैं, तो उनको हम रेफ्यूजी मानेंगे। कोर प्रिंसिपल इज प्रोहिबिशन ऑन रिफॉलमेंट, हम जबरदस्ती नहीं भेज सकते अपने कंट्री में। रेफ्यूजीज हैव सम राइट्स ऑल्सो, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे कि उनको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। It deals with rights and duties of refugees and responsibility of sheltering country. ये law क्या क्या करता है, वो एक जो refugee है उसके क्या rights हैं, उसकी क्या duty है, अगर कोई refugee आ रहा है तो उसकी भी कुछ duty बनती है तो वो क्या है, ये वो बताता है। And जो sheltering country है, means जिसने refugees को अपने country में रखा है, ठीक है, वो जिस country में refugee बन के आया है उस country की क्या क्या responsibility है वो भी ये बताता है। Currently the number of refugees in the world is 36.4 million. Currently इतने सारे लोग refugees बनके दूसरे country में रहते हैं। और अगर एक question आए कि किस देश में ज्यादा refugee रहते हैं तो that is Turkey, ठीक है। आगे rights of refugees, right to non-refoulement, उसको जबरदस्ती नहीं भेजा सकता अपने country में। Freedom of movement, वो किधर भी घूम सकता है, ठीक है। Right to security of person, उसकी सुरक्षा करी जाएगी। Right to education, वो पढ़ सकता है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, वो जॉब भी कर सकता है, उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। राइट टू जस्टिस और राइट टू एक्सेस टू जस्टिस, उनको जस्टिस भी दिया जाएगा अगर कोई साथ किसी भी तरीके की इनजस्टिस होता है। राइट टू एसोसिएशन एंड प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं, एसोसिएशन भी फॉर्म कर सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन और फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, उनको किसी भी तरीके की भेदभाव का फेस नहीं करना पड़ेगा। रेफ्यूजीज विल ओबे रूल्स, रेगुलेशन एंड लॉज ऑफ सेल्टरिंग कंट्री, जो भी रेफ्यूजी बन के दूसरे कंट्री में गए हैं उस कंट्री की जितने भी सारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज है वो उनको वो मानना पड़ेगा।